ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नालंदा जिले के हरनौत स्थित जीडीएम कॉलेज में समारोह पूर्वक कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। एनसीसी कैडेटों ने प्रधानाचार्य डॉक्टर सिन्हा के अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने वीर शहीद की पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर सिन्हा ने कारगिल युद्ध के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए स्वदेश प्रेम का संदेश उपस्थित सभी लोगों को दिया। कार्यक्रम को एनसीसी पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रामजी सिंह, डॉक्टर महेश कुमार, अविनाश कुमार समेत कई विद्वानों ने संबोधित किया। मौके पर एनसीसी एवं एनएसएस के छात्र समेत कॉलेज के सभी कर्मियों ने भाग लिया। 1994 से एनसीसी कांड है, 99 में यह घटना हुई थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए और यह कार्यक्रम हुआ। आज वीरों की गाथा का कार्यक्रम है। वह जो इलाका है बीहड़ है, कोई फसल होती नहीं, आप ठहर सकते नहीं और इतनी ठंडक होती कि आदमी जम जाएगा। और उस परिस्थिति में हथियार लेके चढ़ना और चढ़ाई करके उधर से, आप देखे होंगे वीडियो भी आज मैंने शेयर किया है और विद्यार्थियों ने मुझे भी किया है, ट्वीट भी किया मैंने। ऊपर से वह मशीन गन से धमला कर रहा था और एक और 47 से हमारे लाइट मशीन गन से हमारे सैनिक लड़ रहे थे। हमारे सैनिक 2 लाख की संख्या में थे। यह जान के आपको बड़ी खुशी होगी और दहशत का पात्र बना था। एक ही रात में 295 सैनिक मारे गए। तब भी मेजर जनरल विक्रम थे उस समय आर्मी स्टाफ के प्रमुख थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और किला फटा हुआ, हमारी जीत हुई। और तब से 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में इसे विजय दिवस समारोह, शौर्य समारोह, कारगिल विजय दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है, इन कहानियों से, इन जज्बों के कहानियों से, एक पुरानी बातों को कहने से नए जनरेशन को जानकारी मिलती है, जोश जगता है। और एक कहावत है कि हिंदुस्तान के आर्मी में पहले से कोई आदमी जवान नहीं होता, वह आर्मी की ट्रेनिंग से जवान हो जाता है। ट्रेनिंग के पहले कोई बहादुर नहीं होता, परंतु इतनी सख्त और इतनी अनुशासित ट्रेनिंग होती है, पूरे विश्व में विख्यात है, कि हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी आर्मी जवान बन जाता है। एक सैनिक का लैंग्वेज है। मुझे एक हमारे आर्मी मित्र ने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ा कोटेशन है इस दिवस पर कि हिंदुस्तान के आर्मी का ट्रेन प्रशिक्षित प्रत्येक सैनिक जवान बन जाता है। उस दिवस पर जब जीत हुई हिंदुस्तान की, तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान के वीर सैनिकों की गाथा गाई गई और इसका बड़ा नेमकेम हुआ। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनका भाषण भी आज मैंने लोगों को शेयर किया वीडियो। वे कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई घटना हो, अशांति का कारण हो, युद्ध नहीं हो, परंतु मुझे शांत रहने से कोई रोकेगा तो कार्रवाई वैसी होगी कि जो टाइगर हिल है उस पर पूरा कब्जा करके हम आगे भी बढ़ेंगे। और आपने इधर देखा, इधर भी जम्मू कश्मीर में कार्रवाई है, वर्तमान सरकार में भी शांति हुई है,